आए दीदी, जानती हैं 4 तोला सोना चढ़ा है तिलक में। लड़का वाला ना सब बहुत पैसा वाला है। जानती हैं इतना बड़ा मंगल सूत्र दिए हैं सब लड़की को। अब भैया भी ना बहुत पैसा खर्चा किए हैं। आय दादा, लग रहा है खाना कम पड़ गया है। हेलो, आए सोनू सुनो, खाना खाए हो? खाना खा लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाके खा लो चुपचाप, इस घर में खाना में ही आग लगी रहती है। जानती हैं दुल्हन ना स्टेज पे अपने दुल्हा को देख के हंस रही थी ना, एकदम नहीं ला जा रही थी। हम लोग ना अपने ब्याह में अपने हस्बैंड का मुंह भी नहीं देखेंगे। हमारे बाबूजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मजाल थी हम लोगों की। आजकल की लड़कियां सब एडवांस ना हो गई हैं। छोटकी बहनिया को नहीं देखी है, खूब बतिया रही थी अपने जीजा जी से। जानती हैं बैकलेस बेलाउंच पहनी थी। अब भाई शराब पीता है जी। स्टेज पे ना शराब पी के नाच रहा था। कितना रुपया खर्चा किए भैया सरोज के ब्याह में? सुमन के पापा भी ना 10 लाख रुपया खर्चा किए थे उसके ब्याह में। बहुत बढ़िया इंतजाम था दीदी। ऐसी कौनो सब्जी नहीं थी जो नहीं बनी थी। बाराती बहुत खुश थे। सुमन के ससुर जी ना खुद बहुत बड़ाई कर रहे थे। अरे गुड़िया, सरोज खाना खाई है, अब बोल दो उसको खा ले, चली जाएगी हमारी लड़की, बहुत मुंह लगेगा, सबसे बड़ी है घर में। बेटा सोनू, हमारी लड़की परसविदा हो जाएगी। इतना डब्बा मिठाई आया है, एक भी हमको चखने को नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ लोग लुकवा के रख दिए हैं, सब अपने अपने कमरा में दबा के रखा होगा। जहाँ पे लुकवा के रखा गया है, क्या काम किच मचाए हो जी तुम लोग? हमारे हित को कोई नहीं पूछ रहा है, सब खाली अपना अपना यहाँ देख रहा है। सबको खाली ना अपने रिश्तेदार से ही मतलब है। हमारे जेठ आए थे ना, तो एक गिलास पनियों को कोई नहीं पूछा है। अपना रिश्तेदार को स्पेशल अरेंजमेंट दिया जा रहा है, 2-2 घंटा अगोर अगोर बैठा जा रहा है। हम नहीं खाएंगे खाना, हमारा मन जहर जैसा हो गया है। अरे जी सुनिए, जानते हैं लड़कवा ना बहुत बड़ा डॉक्टर है दिल्ली में, और लड़कियां भी कानपुर से पढ़ाई की है डेंटल की। दहेज भी बहुत बढ़िया मिला है, घर में सब लोग डॉक्टर हैं। आप भी पूछिएगा रिश्तेदारी में कोई होगा गुड़िया के लिए। अरे भैया जाइए ऊपर, नहीं जाएंगे क्या? लजा रहे हैं, लव मैरिज में इतना लजाएंगे? आजकल कहाँ कोई लजाता है, आजकल तो सब फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। और आप लोगों को ना अगर कोई अपना रिश्तेदार याद आ गया होगा ना वीडियो देख के, तो उसमें लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।